हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू वेबटेक इन दैप चैनल। ये हमारे मेटेरलाइज सीएसएस का 14 ट्यूटोरियल है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कलेक्शन। तो देख सकते हैं आप पहले कौन कौन से कलेक्शन हैं: बेसिक कलेक्शन, कलेक्शन विथ लिंक्स, कलेक्शन विथ हेडर एंड कलेक्शन विथ सेकेंडरी कंटेंट एंड कलेक्शन विथ एवेटर कंटेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं बेसिक डॉट एस टी एम एल को, और मैं इसे सेव कर देता हूँ कलेक्शन डॉट एस टी एम एल नाम से। ओके, यहाँ पे टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल मैं कर देता हूँ कलेक्शन, और हम यहाँ एक कंटेनर क्लास ले लेते हैं, क्लास कंटेनर। ओके, तो कलेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली लगाना है यूएल टैग, और यूएल के अंदर एलआई टैग। यूएल में आपको क्लास देनी है कलेक्शन नाम की, एंड एलआई में आपको क्लास देनी है कलेक्शन आइटम नाम की। पहले क्लास में लिख लेता हूँ क्लास कलेक्शन आइटम। ओके, यहाँ पे आपको आइटम का नेम, आइटम नेम। ओके, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, सेव करते हैं और रन करते हैं अपने कलेक्शन डॉट एच टी एम एल फाइल को। ये रही हमारी कलेक्शन डॉट एच टी एम एल। आप देख सकते हो यहाँ कलेक्शन हमारा तैयार हो चुका है, बेसिक कलेक्शन। अब नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन विथ लिंक्स। तो इसे क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना है, इसे क्रिएट करने के लिए भी हमें सिंपली लगाना है यू एल टैग, और यू एल के अंदर हमें लगाना है एल आई टैग, सॉरी कलेक्शन विथ लिंक करना है। तो हम यहाँ एंकर टैग यूज़ कर लेते हैं। यहाँ मैं क्लास ले लेता हूँ कलेक्शन। ओके, और यहाँ आपको क्लास पास करनी है कलेक्शन आइटम। देन यहाँ पे आइटम का नेम मैं यहाँ दे देता हूँ, आइटम नेम, आइटम नेम विथ लिंक। ओके, और यहाँ पे मैं हैश पास कर देता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ मैं इसे। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो ये देख सकते हो आप हमारा कलेक्शन बन चुका है लिंक के साथ। ओके, यहाँ पे आप एक्टिव क्लास भी ऐड कर सकते हो। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, ये देख सकते हो ये क्लास एक्टिव हो चुकी है यहाँ पे। इसके अलावा आप इसके कलर को चेंज करना चाहते हो तो आप कलर का नेम सिंपली पास कर सकते हो। यहाँ मैंने यहाँ पास कर दिया रेड। रिफ्रेश करते हैं, ये देख सकते हो आप यहाँ रेड हो चुका है। देन नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन विथ हेडर्स। तो इसे क्रिएट कर लेते हैं। सिंपली हमें लेना है यूएल टैग। यूएल के अंदर आपको क्लास देनी है कलेक्शन और विथ हेडर। ये दो क्लास आपको पास करनी है यूएल के अंदर। देन यूएल के अंदर आपको लेना है एल आई टैग, और एल आई के अंदर आपको क्लास पहले क्लास देना है कलेक्शन हेडर, और हेडर में हम ले लेते हैं एच फाइव टैग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कलेक्शन हेडर। ओके, मैं यहाँ एल आई टैग ले लेता हूँ, और यहाँ क्लास दे देते हैं कलेक्शन आइटम, कलेक्शन आइटम। यहाँ पे आइटम का नेम मैं आइटम नेम लिख देता हूँ। ओहो सॉरी, मैंने इसे कॉपी पेस्ट कर लिया। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं अपने ब्राउज़र को। तो ये देख सकते हैं आप ये कलेक्शन विथ हेडर है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन विथ सेकेंडरी कंटेंट। तो इसे क्रिएट कर लेते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। सेकेंडरी कंटेंट हमें चाहिए विथ लिंक्स, तो मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। पहले मैं इसे रिमूव कर देता हूँ, कलेक्शन हेडर विथ सेकेंडरी कंटेंट। ओके, तो मैं सबसे पहले लेना है एक एल आई टैग। एल आई के अंदर आपको क्लास लिखना है कलेक्शन आइटम। देन इस एल आई के अंदर आपको लेना है ड्यू टैग, और ड्यू के अंदर आपको एक एंकर टैग लेना है, और इसके अंदर आपको क्लास लिखना है सेकेंडरी कंटेंट। ओके, देन यहाँ पे आइकन यूज करना था हमें, तो मैं यहाँ आई टैग ले लेता हूँ क्लास मटेरियल आइकन्स। ओके, और आई टैग के बीच में लिखना होता है हमें आइकन का नेम, तो यहाँ पे सेंड आइकन यूज किया है। ये देख सकते हो आप यहाँ इसका नेम सेंड है, मैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, मैंने इसे पेस्ट कर दिया। देन ये हो गई हमारी लिस्ट,
और इसके अंदर हमारा है आइकन। देन हमें इसका नेम भी देना होगा लिस्ट का, मैंने यहाँ कर दिया आइटम। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं मेरे ब्राउज़र को। ये देख सकते हो आप कलेक्शन विथ हेडर विथ सेकेंडरी कंटेंट। ओके तो हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं टू टाइम और, 1 एंड 2। सेव किया मैंने और रिफ्रेश किया तो ये हमारा कलेक्शन विथ सेकेंडरी कंटेंट बन चुका है। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन विथ एवेटर, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए भी हमें यूएल टैग लेना होगा पहले। देन हमें इसके अंदर भी क्लास देनी होगी कलेक्शन। ओके यूएल के अंदर हमें लेना है एलआई टैग और एलआई में क्लास देना, हमें एलआई में हमें क्लास देना है कलेक्शन आइटम। देन इसके साथ आपको क्लास देनी है एवेटर नाम की। ओके देन इसके अंदर आपको इमेज टैग लगाना है और मैं पहले इमेज कुछ डाउनलोड कर लेता हूँ। मैंने यहाँ सर्च किया इमेज, मैं इस इमेज को सेव कर लेता हूँ अपने इमेजेस फोल्डर के अंदर। मैं इसका नाम दे देता हूँ IMG। ओके चलिए इस इमेज को सेट कर देते हैं यहाँ पहले इसका पाथ। ओके ये पाथ सेट हो गया, सेव करते हैं और मैं आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। ये देख सकते हो आप ये इमेज की साइज कितनी बड़ी है। आपको सिंपली इसमें क्लास लगानी है, क्लास सर्कल। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हो आप ये कितनी आइकन सॉरी इमेज कितनी हमारी रिस्पॉन्सिव हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके साथ ऐड करना है टाइटल एंड फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन। देन हमें एक आइकन ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं क्लास यूज करता हूँ टाइटल के लिए टाइटल क्लास, और यहाँ पे हम लिख देते हैं टाइटल टाइटल ऑफ एवेटर। ओके देन हमें दो पैराग्राफ और चाहिए, तो दिस इज सेकेंड लाइन। मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ एंड इसे लिख देता हूँ दिस इज थर्ड लाइन। सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ इमेज आ चुका है एंड ये टाइटल और सेकेंड एंड थर्ड लाइन। नेक्स्ट हमें चाहिए एक आइकन विथ लिंक्स, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें लगाना होगा एंकर टैग और इसमें हमें क्लास देना होगा सेकेंडरी कंटेंट। ओके और इस सेकेंडरी कंटेंट के अंदर मैं यहाँ हैश पास कर देता हूँ पहले। इस सेकेंडरी कंटेंट के अंदर हमें क्या यूज करना है, आई टैग और क्लास मटेरियल आइकन्स। देन इसके अंदर हमें आइकन का नेम लिखना होता है, तो मैं इस आइकन का नेम देख लेता हूँ क्या है। ये आइकन स्टार है, कहीं स्टार दिख रहा है हमें, मैं स्टार यूज करके देखता हूँ। ओके सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। ये देख सकते हो आप यहाँ स्टार आ चुका है। ओके मैं इसे दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। कॉपी किया पेस्ट किया हमने, सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से आप कलेक्शन विथ एवेटर भी यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।